यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। फरीदाबाद में नेहरू कॉलेज के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे एनएसयूआई के छात्रों का धरना 18वें दिन भी जारी है। अपनी 8 मांगों को लेकर धरने पर बैठे करीबन आधा दर्जन छात्रों ने सिर पर मुंडन भी करवाया। इसके अलावा छात्रों ने सीएम मनोहर लाल के पुतले की शव यात्रा भी निकाली और कॉलेज के सामने सीएम का पुतला फूंका। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव कृष्ण यात्री ने यह कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन होगा। मेरा नाम कृष्ण यात्री है, एनएसयूआई हरियाणा से प्रदेश सचिव हूँ। आज हमारे एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने एवं छात्रों ने, 5 छात्रों ने मिलकर के आज मुंडन कराया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले 18 दिनों से, आज 19वां दिन है, हमें 18 दिनों रात से हम इस धरने स्थल पर अपनी 8 मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक ना तो खट्टर सरकार का कोई नुमाइंदा, ना जिला प्रशासन की तरफ से, ना यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से हमारी मांगों को सुनने के लिए कोई आया है। जबकि कुछ मांग तो ऐसी है जिनको लेकर के हमने 2015 में भी लगातार 56 दिन का धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक 3 साल बीत जाने के बाद उनमें से कोई सी भी मांग पूरी नहीं हुई है हमारी।